पूर्वी चंपारण के आदापुर से खबर है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मद निषेध सेवन और तस्करी के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान के तहत भारत नेपाल सीमा पर तैनात 71वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल कोरैया कैंप के सहायक कमांडेंट अंशल श्रीवास्तव की देखरेख में सीमाई गांव के लोगों को जागरूक किया गया। इस संदर्भ में श्री श्रीवास्तव ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। फिलहाल यह अभियान सीमाई गांव चंद्रमन कोरैया और इस्लामपुर में चलाया जा रहा है। साथ ही एक बार फिर से सीमाई गांव के बच्चों को एसएसबी के जवानों के द्वारा पढ़ाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इस अभियान में गांव के मुखिया सरपंच से लेकर वार्ड सदस्यों सहित ग्रामीण स्कूली बच्चों का काफी सहयोग मिल रहा है और बच्चे पढ़ने के प्रति काफी उत्साहित भी हैं। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां शिकारपुर पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमाघवद निवासी शेख निजामुद्दीन के रूप में की गई है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि मामला जमीनी विवाद में रंगदारी मांगने व मारपीट से जुड़ा है। मामले में न्यायालय द्वारा जारी वारंट के आलोक में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सुगौली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सुगौली विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी के द्वारा प्रखंड कांग्रेस कार्यालय के प्रांगण में सत्याग्रह शांतिपूर्ण धरना दिया गया, जिसमें सभी ने एक स्वर में अग्निपथ योजना को समाप्त करते हुए जल्द से जल्द वापसी की मांग की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष श्री किशोर पांडे एवं संचालन युवा कांग्रेस अध्यक्ष एहोदा अंसारी उर्फ छोटू ने किया। इस वक्त हम सुगौली कांग्रेस आश्रम के पास खड़े हैं। आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अग्निपथ योजना के खिलाफ केंद्र सरकार के विरुद्ध में शांतिपूर्ण सत्याग्रह धरना का आयोजन किया गया है यहाँ पे सुगौली में। और यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, धरने पर आपको तस्वीर दिखा दें, आप धरने में बैठे हुए हैं लोग, पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर की तस्वीर दिखाएंगे और यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो धरने पर बैठे हैं उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। जो आज धरना दिया गया है, इस संबंध में बताइए क्या था। भारतीय कांग्रेस कमेटी के और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज हम लोग अग्निपथ योजना के विरोध में धरना पर, सत्याग्रह धरना पर बैठे हुए हैं और इसका नौजवानों ने नकार दिया है। मोदी जी जो भी अपना योजना लाए उसको सब भारत की जनता ने नकार दिया है। किसान योजना लाए उसको किसानों ने नकार दिया, जीएसटी लाए तो व्यापारियों ने नकार दिया, किसान योजना लाए तो किसानों ने नकार दिया, इसी तरह उन्होंने जो भी योजना लाया है सबको जनता ने नकार दिया है। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार केंद्र में जो है भाजपा की सरकार कांग्रेस की तुलना में जो कामें कर रही है वो नकारात्मक है, जनता उसको नहीं चाहती है, इसी के तहत हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। तब तक ये धरना है, हम लोग 11 बजे से 1 बजे तक हम लोगों का निर्देश है, 1 बजे तक हम लोग धरना पर बैठेंगे। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां शिकारपुर पुलिस ने अवैध बालू खनन मामले में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। इस संदर्भ में शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि पौड़ई नदी से अवैध खनन कर ले जा रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को शिकारपुर गांव से जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली बिना नंबर प्लेट का है, जो कि इनरवा निवासी कपिल देव यादव का बताया जा रहा है। मामले में चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अग्रिम कार्रवाई करते हुए खनन विभाग को प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। रक्सौल युवा कांग्रेस के बैनर तले किसान नेता चौधरी चरण सिंह गोलंबर चौराहे पर रक्सौल विधानसभा अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी के नेतृत्व में अग्निपथ योजना के खिलाफ शांतिपूर्ण सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सह पश्चिमी चंपारण प्रभारी प्रोफेसर अखिलेश दयाल ने सरकार से अग्निपथ योजना को वापस करने की मांग की। उक्त कार्यक्रम में ईश्वर चंद्र प्रसाद, विजय कुमार, आदापुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अवधेश कुमार यादव सहित अन्य उपस्थित थे। नेशनल हेराल्ड की स्थापना की गई थी, उस स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश से जब अंग्रेजी हुकूमत इस देश में सरकार चला रही थी उनके बातों को लेकर नेशनल हेराल्ड की स्थापना की गई। लेकिन जब 2015 में इसी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने नेशनल हेराल्ड केस को बंद कर दिया, फिर कानूनी कार्रवाई करते हुए ईडी ने हमारे नेता, युवा नेता, आने वाले समय के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को डिस्चार्ज करने का काम बार बार ईडी की सरकार, ईडी और सीबीआई कर रही है। हम इस सरकार को जनता की कतार में खड़ा करके यह पूछना चाह रहे हैं कि आखिरकार सीबीआई, ईडी और भी जो चुनाव आयोग के लोग जो हैं, इन सब को कब तक कठपुतली बनाकर उन लोगों को यूज करने का सरकार काम करेगी, जिसको लेकर रक्सौल युवा कांग्रेस ने मोदी और अमित शाह का पुतला फूंकने का काम किया। मैं कहना चाहूंगा कि आखिरकार जब तक ये सरकार, और क्यों नहीं जान सकती है कि जनता जो है समझ सरकार के मुखौटा को और मुखौटे से निकल कर सरकार
हटाने का काम करे कि जनता के लिए क्या कर रही है, आखिरकार सत्ता का दुरुपयोग कब तक सरकार करना चाहती है, इसको लेकर आज हमने इस पुतला दहन करने का काम किया है। लेकिन आने वाले समय में अगर राहुल गांधी जी के साथ या अन्य कांग्रेस के नेताओं के साथ या विपक्षी पार्टियों के साथ अगर सत्ता में बैठी अहंकारी भाजपा की सरकार ऐसा कार्य करती है तो बार बार हम उनको चेताने का काम करेंगे। और रक्सौल से अगर संसद मार्च भी करना पड़े दिल्ली जाकर तो हमारे कार्यकर्ता चलने के लिए तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।